हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल थोड़ा बिज़ी ज़्यादा थी तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई कल। आज लेकर आई हूँ आप लोगों के सवाल कमर दर्द और स्लिप डिस्क से रिलेटेड। तो सबसे पहला सवाल मांगी लाल जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे कमर दर्द था, मुझे परहेज करते हुए 6 मंथ हो गए हैं, अब काफ़ी आराम है। मैम, इतने टाइम आगे झुकने का परहेज करने के बाद जब मैं पूरा ठीक हो जाऊँगा तो आगे झुकने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, और कहीं ऐसा तो नहीं आगे झुका ही नहीं जाएगा, प्लीज़ ये टेंशन दूर करो। तो बिल्कुल मैं आपकी टेंशन दूर कर देती हूँ कि जब मैंने परहेज किया था तो ठीक होने के बाद धीरे धीरे अपने आप ही मुड़ना स्टार्ट कर दिया था, तो एकदम से नहीं झुकी थी पूरी की पूरी। और धीरे धीरे पहले तो घुटने पर हाथ रख कर थोड़ा सा सहारा लेकर नीचे झुक कर चीज़ उठाती थी, तो वो धीरे धीरे तो बढ़ता चला गया, मतलब अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैं झुक सकती हूँ। पर मैं कभी भी अपनी बॉडी का फुल बॉडी का वेट झुकाकर कोई काम नहीं करती हूँ लंबे टाइम तक। तो आप बेफिक्र रहें, अगर आप परहेज करते हैं आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप झुक पाओगे। मेरी कंडीशन काफ़ी अलग है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि बहुत एक्सपेरिमेंट करवाए हैं रीढ़ की हड्डी पर, तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं लगातार 2-4 दिन के लिए झुकने वाले काम कर लेती हूँ, तो वो मुझे कपकपाहट से महसूस होती है, इसलिए मैं वो बिल्कुल नहीं करती हूँ। सहारा लेके आज भी मैं अगर झुकना चाहूँ तो मैं आराम से झुक के झाड़ू लगा सकती हूँ, कुछ भी काम कर सकती हूँ, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी रीढ़ की हड्डी है सीधी है तो वो कभी मुड़ नहीं पाएगी, ऐसा नहीं है। आप ठीक हो जाओ उसके बाद धीरे 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 आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको ये परहेज हमेशा रखना है, इसमें रिस्क मत लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी नौबत आएगी कि कभी भी ना झुकें, तो आप झुक सकते हो। जब मैं झुक सकती हूँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद, तो फिर आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। अगला सवाल रेखा गोयल जी का है, जिन्होंने पूछा है कि 20 दिन से बेड पर हूँ, मुझे लेफ़्ट लेग में पेन आ गया है, इसलिए ना बैठा जाता है ना ही खड़ा हो पाती हूँ। मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, छुट्टियाँ ले रखी हूँ, डॉक्टर की मेडिसिन भी ले रही हूँ और गैप रख के आपकी बताई दवाई भी ले रही हूँ, बट अभी आराम नहीं है, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। रेखा जी, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में कि आप एक टाइम पर एक ही तरह की मेडिसिन लें, क्योंकि आपका कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। आप जब एलोपैथिक ले रहे हैं तो कंटिन्यू एलोपैथिक लें, उसके साथ आपको परहेज करना है खाने का भी और फिज़िकल भी। अगर आप कर लें तो अच्छा है एलोपैथिक के साथ में, फ़िज़िकल तो करना ही करना है। खाने में अगर चावल आलू खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ें वो अवॉइड कर लेते हैं, गैस्ट्रिक वाली चीज़ें अवॉइड करते हैं, तो आप ही के लिए बेनिफिट है। बाकी दूसरी मेडिसिन आप अगर यूनानी ले रहे हो तो यूनानी ही लेना है, फिर दूसरी नहीं लेना, इसलिए क्योंकि आपका क्लियर माइंड भी रहेगा और मेडिसिन अच्छे से काम कर पाएंगी, मिक्सअप नहीं होंगी, कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगी आपको। तो एक टाइम पर एक ही तरह की मेडिसिन लो, लेकिन साथ में परहेज और मालिश और सिकाई ये आप ज़रूर कंटिन्यू करो, आपको इससे रिलीफ मिलेगा। लेटने का तरीका, बैठने का तरीका जो मैंने बताया है, बैठने के लिए ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, जो एक्टिवा की ट्यूब मैंने बता रखी है वो यूज़ करो, और ज़्यादा देर ना बैठो, ज़्यादा देर खड़े भी नहीं होना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो धीरे धीरे आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। अगला सवाल रेणु जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मालिश और सिकाई कब तक करें। तो मालिश का टाइम, अगर आप टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ, मालिश कम से कम 10 से 15 मिनट मालिश हो जानी चाहिए, जिससे ऑयल जो है वो कमर में जज्ब हो जाए, और सिकाई का 20 से 25 मिनट या आपको जब तक गर्माहट रहती है आप लेटे हुए हो आप कर सकते हो। और अगर आप कब तक करें तो ठीक होने तक आप इसे कर सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं देगी, हमेशा आराम ही देगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि मालिश और सिकाई बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है मसल्स को, तो आप जब तक ठीक नहीं होते ना कंटिन्यू करिए, 2-3 बार दिन में को जितना टाइम आपको मिलता है, कम से कम 2 बार और वैसे 3 बार आप इसे करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। अगला सवाल मोहम्मद नसीम का है, और वो पूछ रहे हैं कि मेरे 3 सालों से रीढ़ की हड्डी में निचले हिस्से में दर्द है, रहता है, L4-L5 में येलो फेथ बहुत करवाई, आई थिंक ये एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं, कुछ भी आराम नहीं मिला, बड़ी मेहरबानी होगी कुछ अपने तजुर्बे से इलाज बताएं। तो नसीम जी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ
आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, उसमें वो मेडिसिन मिल जाएंगी जो मैंने ली थी, और हकीम साहब का एड्रेस भी मैंने जो लिया जिनसे ली थी मेडिसिन उनका दे रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ मिल जाएगा। मैंने लेप भी बताया है, एक लेप जो कमर पे बांधने के लिए है, और तेल बताया है मालिश और सिकाई करने के लिए, वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज़ चेक कर लें। इसके साथ में आपको परहेज जो करना है, आगे झुकने, नीचे बैठने, वज़न उठाने के ये काम बिल्कुल बंद करने हैं। गाड़ी चलाना जो आप अगर टू व्हीलर चलाते हैं वो मत चलाएं। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें झटका लगने का डर हो। और मैं बता चुकी हूँ कुछ छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में करने चाहिए, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वरना आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, स्लिप डिस्क वाली मेरे चैनल पे है, वहाँ पर आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। तो टोटल चीज़ें जब करेंगे आप, मालिश और सिकाई भी करेंगे और परहेज रखेंगे खाने का भी और फिज़िकल भी और मेडिसिन, तो आपको बहुत जल्द इसमें रिलीफ मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो मेडिसिन लेते हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे में गलती होती है और इसलिए रिलीफ नहीं आता है, तो वो आप देख लें एक बार। अगला सवाल सदफ का है, जिन्होंने बताया है कि उन्हें L5S1 में फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने बताया है मैंने 3 मंथ दवाई खाई, आराम मिला, लेकिन मेरी अभी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई इसलिए डॉक्टर ने मेरी दवा बंद कर दी है, लेकिन फिर से मुझे प्रॉब्लम होने लगी है, प्लीज़ मुझे भी मेडिसिन बता दीजिए। तो सदफ, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हो और यूनानी मेडिसिन लेना चाहते हो, तो क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ हकीम साहब से कंसल्ट कर लो। हकीम साहब का जो वीडियो है, उनका एड्रेस वाला वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर मैंने दे रखा है, वो आप देख लें और उनसे डायरेक्ट बात कर लें। उनकी निगरानी में अगर आप मेडिसिन लोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो मना ही करती हूँ कि पहली बात तो अगर कमर दर्द है तो अभी प्रेगनेंसी के बारे में मत सोचिए, और अगर प्रेगनेंसी है तो फिर हकीम साहब से कंसल्ट करिए, वो जो कहेंगे आप वैसे फॉलो करिएगा, ठीक है। परहेज तो अभी भी आपको रखना है, मालिश और सिकाई अभी भी करनी है, पर मेडिसिन किसी की निगरानी में ही लीजिए, ये किसी को शूट करा किसी को नहीं करा, गर्म मेडिसिन होती है तो वो आप देखभाल करके लें, ठीक है। आप एक बार उनसे बात करें और उनके सुपरविज़न में मेडिसिन वगैरह आपको जो भी सही लगता है वो करिएगा। अगला सवाल है, उन्होंने पूछा है कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मैम बेल्ट बांधना ज़रूरी है क्या कमर पर? तो आपको बेल्ट बांधने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेल्ट तो सहारा देती है, और वो बांधना उस वक्त है जब आप बेड से खड़े होकर कोई काम करते हो खड़े खड़े, या आप कहीं जा रहे हो सफ़र में हो तो बेल्ट लगा कर जाइए, उससे आपकी डिस्क को और आपके मसल्स को कमर की उसे सपोर्ट मिलेगा। हर घड़ी नहीं लगा के रखना है, सोते हुए तो बिल्कुल नहीं लगाना है, बैठने पर भी जिनको बहुत ज़्यादा दर्द आता है बैठने पे वो बेल्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ बैठते हुए भी बेल्ट लगाना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप खड़े होकर जाते हैं कहीं या काम कर रहे हैं उस वक्त बेल्ट ज़रूरी है, अगर आपको दर्द ज़्यादा है सहारा नहीं मिलता तो उसके लिए, है ना। और अब अगला सवाल जो है वो किसने पूछा है, वो कह रहे हैं कि मैडम जी हम भी L4 L5 S1 का प्रॉब्लम है, 3 मंथ हो गए हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, उपाय बताएं। तो मैं तो जो मैंने यूनानी मेडिसिन ली थी उनकी प्राइस बहुत कम है, अगर आपको पंसारी की शॉप पे वो मिल जाते हैं तो पंसारी के यहाँ जाकर आप दरकुनिसा, हबेजरा की और काली गोली का पता करें, इतने महंगे नहीं पड़ेंगे और आप ठीक हो सकते हैं। साथ में आप मालिश और सिकाई का जो मैंने तेल बताया है वो भी आपको, तिल का तेल लेना है, गांठ लहसुन लेनी है, वो भी इतनी महंगी नहीं होती है, पंसारी के शॉप पर पता करें, वो आपको तेल बना के मालिश और सिकाई करनी है। और जो परहेज है उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, वो आप ही के हाथ से होगा, आपको ध्यान रखना है कि आगे ना झुकें, वजन नहीं उठाएं, और चेयर से नीचे बिल्कुल ना बैठें, आलती पालती मार के नहीं बैठें, उकड़ू ना बैठें, सीढ़ी वगैरह अवॉइड करनी है, गाड़ी बाइक वगैरह जो चलाते हैं वो सब अवॉइड करना है, खाने में चावल आलू जैसी खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ें ये भी अवॉइड करनी है, उड़द की दाल छोले फ्राइड चीज़ें ये बंद कर दें, तो धीरे धीरे ये सब होता जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हौसला रखना है, ठीक है। और आप पता करें आपके आसपास कहीं पंसारी की शॉप है तो आपको इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सस्ती मेडिसिन है, तो आप पता कर लें और वहाँ से ले लें, अगर नहीं मिलती है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप ऑनलाइन ले सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।